आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग पेज मेकर से और उड़िया टेक से। यहाँ देख सकते हैं अरुणा प्रुस्ती ने कमेंट किया है, गौतम सर नमस्ते, मैं उड़िया हूँ, प्लीज़ एडोबी पेज मेकर 7.0 में उड़िया कैसे लिखूँ। तो सबसे पहले अरुणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया, और आप जानना चाहते हैं कि एडोबी पेज मेकर 7.0 में उड़िया कैसे लिखते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि उड़िया हम कैसे लिखेंगे पेज मेकर में। मैं आपको तरीका बताऊंगा, एक्चुअली मैं उड़िया उतनी अच्छी मुझे नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, तो मैं आपको रफली आइडिया देता हूं कि आप कैसे लिखेंगे एडोबी पेज मेकर 7.0 में उड़िया टेक्स्ट। जैसा कि ये देख सकते हैं मेरा एडोबी पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है। यहाँ मैं नॉर्मली यहाँ फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं और एक डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स आता है, फिर ओके पे क्लिक करते हैं। फिर दूसरा जो काम करना होता है हमें वो है कि आपका यहाँ पे एडोबी पेज मेकर 7.0 पे यहाँ पे पेज पे राइट क्लिक कीजिए, एक्चुअल साइज कर लीजिए। अब सवाल उठता है कि हम लोग उड़िया लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखिए उड़िया लिखने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर का जिसमें मैं एक सॉफ्टवेयर को रिकमेंड करूँगा, वो सॉफ्टवेयर का नाम है लीप ऑफिस 2000। इसमें सबसे बेस्ट यही है कि इस सॉफ्टवेयर में खासियत ये है कि सिर्फ उड़िया ही नहीं, हिंदी है और भी बहुत सारे टेक्स्ट हैं जो आप इजीली लिख सकते हैं, और प्लस नीचे आपको वो आपको कीबोर्ड दिख जाएगा जिसमें आप अगर टाइपिंग नहीं भी आता है तो आप क्लिक करके भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको करना क्या है, लीप ऑफिस 2000 को ओपन करना है और ये मेनू बार में जाना है और यहाँ पे देखिए ये जो टेक्स्ट मेनू पे क्लिक कीजिए, करने के बाद लैंग्वेज में जाना है, उसके बाद लैंग्वेज में देखिए इतने सारे लैंग्वेजेस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए उड़िया भी है। जैसे ही मैं उड़िया पे क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए कीबोर्ड का जो लेआउट है उसमें उड़िया लेटर्स आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये मैंने उड़िया पे क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे उड़िया के संख्या लेटर्स और सारे के सारे अक्षर यहाँ पे आ गए। अब जनरली होता क्या है, जब अब हमें टाइप करना है, मान लेते कुछ भी मुझे टाइप करना है, ये मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली ये टाइप हो रहा है, ये उड़िया अक्षर यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। इसका थोड़ा सा फॉन्ट मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए मैं थोड़ा सा फॉन्ट इसका बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए उड़िया यहाँ पे जो भी आपको क्लिक कीजिए यहाँ पे आपको यहाँ पे उड़िया अक्षर शो करेगा, प्लस यहाँ पे जो नहीं शो कर रहा शिफ्ट प्रेस कीजिएगा तो बाकी अक्षर भी यहाँ पे शो करेगा। देख लीजिए यहाँ पे ये अक्षर, मुझे उतना आइडिया नहीं है फिर भी आप देखिए यहाँ पे उड़िया अक्षर लेटर्स यहाँ पे शो कर रहा, शिफ्ट दबाने से बाकी लेटर्स यहाँ पे आ जाएंगे। प्लस अगर जैसे हाफ हाफ वर्ड लिखते हैं, जैसे मो नौ आधा मो और नौ लिखना है, तो यहाँ पे पहले मो लिखेंगे फिर इस पर क्लिक करेंगे तो आधा जो जैसे हम लोग आधा लिखते हैं, जब मो नौ लिखना है तो पहले मो लिखेंगे फिर इस पर क्लिक करेंगे फिर नौ लिखेंगे, तो आधा आधा हाफ हाफ लेटर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इतनी अच्छी उड़िया तो आती नहीं मुझे, तो फिलहाल मैं जैसे मान लीजिए कोई अक्षर इस पर मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद इसे तोड़ने के लिए इसमें क्लिक करेंगे और उसके साथ जो अक्षर जोड़ना है उस पर क्लिक कर दिया, ये देखिए इस तरह का लेटर तैयार हो जाएगा। प्लस यहाँ पे सैम्पल वर्ड भी दिया हुआ है, यहाँ से आप इसे यहाँ से सीख भी सकते हैं। मान लेते ये लेटर, ये जो अक्षर मैंने लिखा है और यहाँ पे जो फॉन्ट इस्तेमाल हुआ है वो देखिए ओ आर टी टी सरला लिखा हुआ है, टी टी सरला लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, लिप ऑफिस में पहले लेटर उड़िया टाइप कर लेना है, उसके बाद इसे सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद इसे आपको कॉपी करना है, सिंपली आपको राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लीजिए। फॉन्ट याद रखिएगा ओ आर टी टी सरला लिखा हुआ है, लेटर्स मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद आप अपने पेज मेकर में जाना होगा, ये देखिए मेरा पेज मेकर में वापस आ गया, और यहाँ पर टेक्स्ट टूल पर क्लिक कीजिए और एरिया अगर चाहें तो आप एरिया इस तरह एक टेक्स्ट ब्लॉक सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद एडिट में जाइए, उसके बाद पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखिए जो मैंने यहाँ पे लीप ऑफिस में लिखा था यहाँ पे वो उड़िया लेटर्स यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए नहीं आता है तो यहाँ पे आप विंडो में जाइए, यहाँ पे देखिए शो कंट्रोल पैलेट्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए इस तो फॉन्ट के बॉक्स में देखिए ओ आर टी टी सला दिख रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे ओ आर टी टी अगर सला नहीं है तो इस लेटर को जो भी लेटर आएगा यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके आपको ओ आर टी टी यहाँ से ढूंढना पड़ेगा और इसको चेंज कर देना पड़ेगा। जैसे ओ आर टी टी सला है तो इसमें ढूंढिए ओ आर लिखिएगा, देखिए ओ आर टी टी थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये देखिए ओ आर टी टी सला, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा देखिए उड़िया वो लेटर जो लिखा था मैंने यहाँ पे वो आ गया। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, लीप ऑफिस में जाना है। जैसे ये लीप ऑफिस 2007 है, फिर से मैं दिखा देना चाहूँगा, ये देखिए उसके बाद यहाँ पे जाके आपको मेनू बार में जाना है, यहाँ पे आप टेक्स्ट में जाइए, लैंग्वेज में जाइए और यहाँ पे उड़िया चूज़ कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कीबोर्ड आ जाएगा, नॉर्मली आप जिसको जो भी लिखना है जो भी मात्रा देना है सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलता है तो शिफ्ट प्रेस कीजिए तो बाकी अक्षर भी यहाँ पे शो करने लगेगा।
हाफ हाफ लेटर लिखना है एक साथ, जैसे वो संयुक्त बोलते हैं, तो वो यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा तोड़ने के लिए। जैसे मान लेते ये अक्षर है, इसको हाफ करने के लिए फिर ये क्लिक करके मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये कौन सा अक्षर मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन ऐसे ही इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस फॉन्ट को, जो फॉन्ट यहाँ पे उड़िया फॉन्ट है ORTT सल्ला, इसे सिलेक्ट कीजिए इस तरह। इसे आपको इसको लिखावट को सिलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए। उसके बाद आप पेज मेकर में जाइए, उसके बाद डायरेक्टली इसमें राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे लेटर यहाँ पे आ गया, सिंपल है। तो आई होप अरुणा जी को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग उड़िया टेक्स्ट पेज मेकर में लिखते हैं। ये सिंपल तरीका, जो सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया वो LibreOffice 2000 का इस्तेमाल किया है। इसमें आपको उड़िया टेक्स्ट लिख सकते हैं, प्लस इसे कॉपी करके आप पेज मेकर में ले जा सकते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।